देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। आज मसूरी में पूर्व कांग्रेस के मसूरी शहर अध्यक्ष सतीश ढोंढियाल व पूर्व महिला मोर्चा की मसूरी अध्यक्ष गीता कुमाई और सभासद जसोदा शर्मा के साथ सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहिद मंसूर के नेतृत्व में कई दर्जन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीर सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी लोगों को फूल माला पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा में शामिल हुए सतीश ढोंढियाल, गीता कुमाई और यशोदा शर्मा के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा कोरोना काल में किए गए काम के साथ सामाजिक काम को लेकर के कार्यों को लेकर वो प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी लोग अपने घरों में कैद थे, वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में पीड़ित लोगों के साथ थे, को हर संभव मदद देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए अमूलचूल विकास किए गए हैं। मसूरी में पेयजल, पार्किंग, स्वास्थ्य आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। वहीं लगातार विभिन्न योजनाओं के तहत मसूरी का विकास किया जा रहा है। समाज को हमेशा कौन से दिग्भ्रमित किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आज जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो हज यात्रियों की संख्या 1 लाख भी नहीं थी, आज 2 लाख से अधिक यात्री हज यात्रा के लिए जाते हैं। कभी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि अगर विकास होता है तो चाहे मुस्लिम भाई होता है उसे भी विकास होता है, चाहे आम जनमानस, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैंने खुद मसूरी के अंदर ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आया होगा, चाहे आर्थिक सहायता के लिए आया होगा, चाहे सड़क के लिए आया होगा, चाहे पानी के लिए आया होगा, चाहे बिजली के लिए आया होगा, चाहे चर्च में कोई निर्माण की बात हुई होगी, हमने निस्वार्थ भाव से काम किए हैं। यही कारण है कि आज सभी वर्गों का, सभी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने आज विश्वास हम पे व्यक्त किया है, उनको भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके विश्वास पर खरा उतरे। सबसे बड़ी ये रही कि देश में आज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो काम है वो जनता और के द्वारा जो समय दिखा दिया जा रहा है वो है, और उसी तरह प्रदेश में धामी जी के नेतृत्व में और माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में जो क्षेत्र का विकास हुआ है, और क्षेत्र के विकास की जो गंगा बही है वो अपने आप में एक जो है इसका कारण बनती है। चाहे वो किसी भी तरह का कारण देखो, आप पार्किंग की समस्या का समाधान हुआ, पेयजल की 154 करोड़ रुपए की योजना मसूरी में आई, आने वाले 30 से 40 वर्षों तक पेयजल की उम्मीद है कि जरूरत इससे मांग पूर्ति हो जाएगी। और टाउन हॉल का उद्घाटन देख लो, चारों तरफ सड़कों का जाल देख लो, स्वास्थ्य सेवाएं देखो, जहाँ कभी मसूरी में एक सिलेंडर किसी को नहीं मिल पाता था, आज ऑक्सीजन बैंक का गठन कर दिया गया है, और एक छत के नीचे सिविल हॉस्पिटल में 20-20 डॉक्टर बैठाए गए हैं। आप जाएं, और मसूरी सबसे बड़ी बात है कि मसूरी के सराउंडिंग में जितने 20-25-30 गाँव हैं उन सब की नज़र मसूरी पर रहती है। जब वो गरीब जनता यहाँ आती है तो उसे चारों तरफ जो है इलाज के लिए चारों तरफ डॉक्टर मिल जाते हैं, हॉस्पिटल मिल जाते हैं। ये सब चीज़ों को देखकर, इन कामों को देखकर, अब विशेष रूप से जो कोरोना का 2 साल का कार्य माननीय गणेश जोशी के द्वारा किया गया, चाहे वो राशन बांटने का काम रहा हो, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटने का काम रहा हो, चाहे किसी भी दुख और दर्द में खड़े होने का काम जो उन्होंने जनता के सामने दिया, उससे दिल ओतप्रोत हुआ। और हम चाहते हैं कि ऐसे विधायक को पिछली बार से दुगनी तादाद से और पिछले बार से 10 गुने मार्जिन से उन्हें जिताकर विधानसभा भेजें, ताकि क्षेत्र में जो रुकी हुई योजनाएं हैं उनका लाभ अधिक से अधिक जनताओं को और मिल सके। देखिए, भाजपा कोई विकल्प नहीं बल्कि संकल्प है। जैसे कि मैंने बताया कि भाजपा ने लीक से हटके काम किए हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 35A हो, चाहे वो हमारे सैनिकों के लिए हो, तो भाजपा जो है वो लीक से हटके कार्य कर रही है। यही कारण है कि हमने भाजपा ज्वाइन की है। और अगर हम अपने क्षेत्रीय क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भी माननीय मंत्री जी के माध्यम से बहुत ही विकास कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू नहीं हो रही, तो थोड़ा समय लगता है। बिल्डिंग बन गई है, फिजिशियन आ गया है, अब गायना कॉलेजेस भी आ गई है, तो पहले से सुधार हो रहा है चीज़ों में। लॉकडाउन में जब जनता को, आम जनमानस को जरूरत थी, तो भाजपा सरकार द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा लोगों को सहयोग किया गया, जन जन तक वो पहुँचे। तो यही कारण है। भाजपा की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड से लोग लाभ ले रहे हैं,
इसी के साथ पहल योजना। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मुस्लिम समाज के बीच में एक भ्रम फैलाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल स्तर पर हमारी जो मंडल की टीम काम कर रही है, उसके बाद हमारे माननीय मंत्री जी विधायक जी का जो एक प्रयास रहा है, तो अल्पसंख्यकों के बीच में पार्टी की एक नई सोच उभर कर आई है। जब जब मेरे समाज में किसी को भी जरूरतमंद को कोई भी काम की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो मंडल स्तर हो या हमारे माननीय मंत्री जी के माध्यम से हो, तो वो काम सारे के सारे हुए हैं। और ये बोलते हैं कि एक क्षेत्र का युवा हो या प्रदेश का युवा हो, कोई भी संगठन को गठन करने में बहुत बड़ा एक सोच रखता है, कोई भी सरकार बनाने में एक बहुत बड़ी सोच रखता है। तो मैं नहीं समझता कि युवाओं से ज़्यादा सक्षम सोच किसी और की होती हो। आज मेरे साथ बहुत बड़े टपके के साथ एक युवा साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की उन्होंने सोच रखी है, और भाजपा की नीति से प्रभावित होकर सबने निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और पार्टी की सरकार बनाने में जो भी हमसे बन पड़ेगा उतना योगदान। वहीं इस पूरे सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के फोटो वीडियो सबूत बयान सहित उपलब्ध होने के बावजूद भी अपनी भद पिटवाते हुए आज मसूरी कांग्रेस के नेता उपेंद्र थापली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सतीश ढोंडियाल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भाजपा पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, बल्कि ये सभी पूर्व से ही भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा बेवजह अपनी हवा बनाने का काम कर रही है। ये गलत बात है, कोई कार्यकर्ता एक आदमी को छोड़कर जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष थे उनको छोड़कर उनको इंडिविजुअली शामिल हुए हैं, कोई इसमें कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ। जो वहाँ पे और अन्य दो पार्षद थी वो पूर्व में पहले ही भाजपा के साथ में थी, जसोदा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रही है और जो गीता कुमारी जी वो भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही है, पहले चुनाव में भी साथ थी, आज भी चुनाव में उन्हीं के लोग थे, तो उन्हीं की मीटिंग कर रहे थे, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी हम लोग हारे नहीं हैं, लेकिन यहाँ की मसूरी जनता उनको जवाब देगी। तो आप लोग यहाँ मसूरी के बासिंदे भी हैं और मीडियाकर्मी भी हैं। साथ ही उपेंद्र थापली ने मसूरी विधायक गणेश जोशी और सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए नियमों का कोई भी भाजपा नेता पालन नहीं कर रहा है। मसूरी विधानसभा में लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बैठक कर रहे हैं। थापली ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। 2022 में जो है पूरे उत्तराखंड क्या पूरे देश में जहाँ भी जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया होगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ मसूरी में भी और यहाँ देहरादून यहाँ उत्तराखंड में भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आयोग जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, भारत सरकार की गिरफ्त में है और उन्हीं के जो है जो अंडर हैंड जो भी जो उनके दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, काबीना मंत्री, वो रोज़ सभाएं कर रहे हैं, आज भी मसूरी में सभाएं की हैं और इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और इसी तरह की सभाएं अन्य जगह पर भी मोहल्लों में भी कर रहे हैं और ये टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूँगा चुनाव आयोग से कि उसका गुलाम न बने और वो देश के हित में काम करे। क्या मंत्री को लेकर शिकायत कर रहे हैं? हाँ, हम रोज़ जो है उनका व्हाट्सएप नंबर है चुनाव आयोग का, उन्होंने दे रखा, हम उसमें रोज़ शिकायत करते हैं और मैंने अभी जो है परसों भी शिकायत की थी कि जितने भी बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, LIC का ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ केंद्रीय ऑफिस हैं वहाँ सब जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी हुई है, उसको भी उतारा जाए, वो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उसको भी उनको लिखित में फोटो बनाकर भेजा उनको, तो उसको भी मैं वो कहते कि हम उतारेंगे। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।